कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मातिसंगोऽस्त्वविकर्मणि। जाती कहाँ है? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज इस अदालत में एक भयानक खूनी मौजूद है जिसने खुलेआम बड़ी बेरहमी के साथ मनसाराम का खून किया और रंगे हाथों पकड़ा गया। खून से भीगे हुए छुरे पर उसकी उंगलियों के निशान थे। चश्मदीद गवाहों का भी यही बयान है कि खून इसी ने किया है। योर ऑनर, इसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, ना अभी तक कोई सफाई पेश कर सका है, इसलिए एक तरह से इकबाल जुर्म कर रहा है। योर ऑनर, ऐसे खूनी देश के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है। अगर फांसी से भी बड़ी कोई सजा है तो वो इन्हें मिलनी चाहिए, वरना शरीफ लोगों का रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुमने मनसाराम का खून किया है और इकबाल जुर्म करते हो? मैंने मनसाराम का खून जरूर किया है, लेकिन कोई जुर्म नहीं किया। मैं बेगुनाह हूं। खून किया है फिर भी बेगुनाह हो, ये कैसे? इससे पहले मैं सैकड़ों बल्कि हजारों खून कर चुका हूं जज साहब, लेकिन इस कटहरे में कभी नहीं लाया गया। अदालत समझी नहीं? जज साहब, मैं एक फौजी अफसर हूं, खून करना मेरे पेशे में है। देश के दुश्मनों का, आजादी के दुश्मनों का, भारत माता के दुश्मनों का। जज साहब, कुछ अरसा पहले जब हमारे देश पर हमला हुआ था तो मुझे बताया गया कि हमला करने वाले हमारे देश के दुश्मन हैं, भारत मां के दुश्मन हैं, और उन्हें मारकर देश की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। हालांकि मेरी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी जज साहब, मैं तो उन्हें जानता तक भी नहीं था, लेकिन भारत की रक्षा के लिए, जिसे हम अपनी मां कहते हैं, मैं इसके दुश्मनों को मारता चला गया और मेरे ये तमगे बढ़ते चले गए। इसी तरह मनसाराम से भी मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं थी जज साहब, मैं उसे भी नहीं जानता था, लेकिन वो भी एक दुश्मन था, समाज का दुश्मन, इस देश का दुश्मन, भारत मां का दुश्मन। हर मां बहन की इज्जत देश की इज्जत होती है जज साहब, और इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। मनसाराम ने भी एक मां पर हमला किया था, उसकी इज्जत पर हमला किया था। एक बार फिर मैंने एक मां की रक्षा के लिए एक दुश्मन को मार डाला, उसका खून करके मैंने अपना फर्ज पूरा किया है जज साहब। आज देखना यह है कि आपका इंसाफ मुझे क्या इनाम देता है, यहां लगाने के लिए एक और तमगा या गले में डालने के लिए फांसी का फंदा। इंसाफ का तराजू जो
से भी ज्यादा मुनसिफ ने जुल्म ढाया कि पेश उसके आगे गम की गवाहियां भी रखी नजर के आगे दिल की तबाहियां भी उसको यकीन न आया इंसाफ कर न पाया कुछ और भी बढ़ाया इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए ये बात याद रखे ये बात याद रखे। सब मुनसिफों से ऊपर एक और भी है मुनसिफ वो दो जहां का मालिक सब हाल जानता है नेकी के और बदी के अहवाल जानता है दुनिया के फैसलों से जुर्म को भी मुनसिफ की भूल को भी मुनसिफ की भूल को भी और अपना फैसला दे वो फैसला के जिससे हर रूह कांप उठे थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत बहुत शुक्रिया विमल फैशन सुंदरी के इस अनोखे चुनाव के लिए अशोक शर्मा आप सबका स्वागत करता है अनोखा इसलिए फैशन सुंदरी का चुनाव खुद आप करेंगे जी हाँ आप सब जज हैं इस शो को पेश कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े कपड़ों के लीडर विमल फैब्रिक्स आप सबको पेपर्स दे दिए गए हैं जिसपे आपको नंबर देना है पेपर्स मिल गए हैं ना सबसे ज्यादा नंबर पाने वाली फैशन सुंदरी विमल फैशन क्वीन चुनी जाएगी जी हां फैसला आपके हाथ में है जनता के हाथ में तो पेश करता हूं विमल फैब्रिक्स के कुछ खूबसूरत नमूने और अब आ रही है विमल की सारिका जो हर सुंदरी की सुंदरता में चार चांद लगा देती है इनको देखकर हम खामोश रह गए अब आप ही बताइए क्या नाम दें इन्हें विमल की विमला और आप पेशे खिदमत है मिस एवरग्लैड और अब आपके सामने आ रही है मिस क्लासिक दिल मैंने अपना मांगा तो बोले की ढूंढ लो पल्लू झटक दिया तो हजारों मचल पड़े और अब जिगर थाम कर बैठिए उनकी बारी आई जी हाँ विमल लग्जरा की सुंदरता को सजाए एक ऐसी सुंदरी आपके सामने आ रही है जिसे आपने सपने में भी नहीं देखा होगा वो है रूप की रानी सबसे सुंदर मॉडल गर्ल किसी ने किसी की जान चाहते ना देखी वो देखो मेरी जान चली जा रही है ब्यूटिफुल यू लुक लवली
नंबरों की गिनती हो रही है, देखना यह है जब जनता जज बनती है तो क्या फैसला देती है। लीजिए फैसला हो गया। इस साल की विमल फैशन क्वीन चुनी गई है, पिछले 3 साल से फैशन क्वीन का इनाम जीतने वाली। आप में से एक सज्जन ने मिस भारती को 100 में से 200 नंबर दिए हैं। क्या वो सज्जन यहाँ आने का कष्ट करेंगे? हेलो, आपका नाम? रमेश गुप्ता। ओ, दोस्तों आपसे मिलिए। आप हैं मिस्टर रमेश गुप्ता, मरहूम करोड़पति सेठ रामलाल गुप्ता के सुपुत्र। आप ही ने मिस भारती देवी को 100 में से 200 नंबर दिए। इनके नंबर माने तो नहीं गए, लेकिन आप सबकी तरफ से मिस्टर रमेश गुप्ता फैशन सुंदरी मिस भारती देवी को ताज पहनाएंगे। की नई मंजिल को चले और छोड़ दिया हमें राहों में, कोई सुनता ही नहीं। मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है। ठीक है, हम कबाब में हड्डी सही, लेकिन हम साथ छोड़ने वाले नहीं, दहेज में आएंगे। अरे हम आपको कहाँ छोड़ने वाले हैं, ऐसी साली तो बड़ी तकदीर से मिलती है। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, पर होने वाले जीजा जी बातों से तो पेट नहीं भरता। आप दोनों की तो भूख प्यार में खत्म हो गई, पर मेरा क्या होगा। अभी लीजिए साली जी। वेटर, गुड इवनिंग। अरे आप आइए बैठिए। थैंक यू। समझ में नहीं आता कैसे आप दोनों का शुक्रिया अदा करूं। मिस्टर अशोक, आपने मुझे बहुत बड़ी इज्जत दी है, सबसे सुंदर नारी को ताज पहनाने की इज्जत। रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बस एक प्रार्थना और है। कहिए। आपके फैशन क्वीन चुने जाने की खुशी में मैं एक पार्टी देना चाहता हूँ, बीच समंदर में अपनी लॉन्च पर, जहां एडवर्टाइजिंग की दुनिया के बहुत ही खास खास लोग आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप वहां आकर एक बार फिर मुझे इज्जत बख्शेंगे। क्यों अशोक, ख्याल अच्छा है। पार्टी कब है? पार्टी आपके लिए है, जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन आई एम ऑनर्ड। थैंक यू मिस भारती। थैंक यू मिस अशोक। यू वेलकम। थैंक यू लिटिल लेडी। नीता मेरी बहन। अच्छा अच्छा, खाकसार को रमेश गुप्ता कहते हैं। गुड इवनिंग। ये हमारे मेहमान हैं। जी, इसकी क्या जरूरत है? मेरी खुशी के लिए। थैंक यू। लेकिन लो, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके लिए एक बहुत अच्छी और खूबसूरत खबर है। हम सबकी खुशकिस्मती है कि आज की शाम हमारे बीच मौजूद हैं भारत की सबसे सुंदर नारी फैशन क्वीन मिस भारती। थैंक यू। कहाँ फंस गए हैं? सब इधर ही देख रहे हैं, खाने भी नहीं देंगे। चलो घर चले। ठीक है, वहां कोई नहीं देखेगा। लेट्स गो। कम ऑन। जीजा जी दीदी को देखे, दीदी जीजा जी को
पति पति पता है, अरे पता नहीं पति पति किस जैसा बुद्ध मैं तो ना लूंगी चाहे गले में मुझको गिरा दो। गाली देती है साली, साली दे सकती है गाली। लड़का तो है देखा अच्छा, लंगड़ाता है थोड़ा और बात करे तो हक 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 लाता है थोड़ा। नीतू फोन सुन। दीदी मैं बाथरूम में हूँ, मैं यहाँ से हट नहीं सकती, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तू ही बाहर आकर ले ले। चैन से नहा भी नहीं सकती। कौन? रमेश गुप्ता। मिस्टर रमेश गुप्ता जी। एक सेकंड दीदी, मिस्टर रमेश गुप्ता का फोन है, फोन यही दे दे। अच्छा थैंक्स। मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या कर रही हैं? जी शूटिंग पर जाने की तैयारी कर रही थी। शूटिंग कहाँ? मर आइलैंड। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शूटिंग पर आ जाऊँ।
वहीं आ जाइए। शुक्रिया। पार्टी की तारीख वहीं तय कर लेंगे। राइट, थैंक्स, बाय बाय। हेलो। हेलो, कहाँ जा रही हैं आप? स्कूल। आइए ना, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आपको बेकार में तकलीफ होगी। अजी, तकलीफ किस बात की? खुशी को आप तकलीफ कहते हैं, प्लीज कम। जी थैंक यू। आपकी बहन क्या गजब की मॉडल है। होना ही था, आखिर ट्रेनिंग किसकी है? जी आपको नहीं मालूम? सुनिए, कुछ भी बनने के लिए डिसिप्लिन यानी अनुशासन बहुत ही जरूरी है। यानी समय से उठना, समय से काम पर जाना, समय से खाना वगैरह वगैरह। और ये अनुशासन मैं रखवाती हूँ, यही है उनकी सुंदरता का राज। आप सही फरमाती हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जी वेरी गुड। बाय द वे, आपकी बहन का बर्थडे क्या है? 8 जुलाई। क्यों, आप कोई ज्योतिषी है क्या? नहीं नहीं, मैंने यूं ही पूछ लिया। मेरा स्कूल आ गया। ओके। थैंक्स फॉर द लिफ्ट। इट्स माय प्लेजर। बाय बाय। लूना भारती, लिटिल मोर सेक्स, हर मूवमेंट में सेक्स चाहिए। वेरी गुड, दैट्स इट, फैंटास्टिक, वेरी गुड। ये हुई ना कुछ बात। ओके भारती, दैट्स फाइन। यस, अभी घूम जाओ, टेक द फाइनल पोजीशन, ब्यूटीफुल। यस प्लीज, ज़ूम, लवली, स्टडी प्लीज, वन मोर, होल्ड, वन लास्ट प्लीज, स्टडी, ओके, थैंक यू। Give me that famous smile of yours. Yes, the killing smile. You are fantastic, Bharti. Now, close your eyes, chin up. Beautiful, the beauty queen, the dream girl of millions. Khabu ki Malika, tum fashion queen ho. Vimal Fabrics ki beauty queen. Vimal Fabrics kapro ke badshah aur tum uski pari. Bilkul pari. Fantastic. Beautiful, out of this world. Thank you, Bharti. Hello. Thank you. Welcome. क्या सुंदर लगती हैं आप, एकदम परी की तरह। कौन सी तारीख तय की है आपने पार्टी के लिए? 7 जुलाई, शनिवार को। आपको सूट करता है ना? 7 जुलाई, हाँ ठीक है। आप किसी को बुलाना चाहेंगी? नहीं, आप किसी को बुला लीजिए, हम सिर्फ 3 हैं, अशोक, नीता और मैं। मैं गाड़ी भेजूं? नहीं, मैं अशोक के साथ आऊंगा। अच्छा, 7 जुलाई शनिवार को रात 9 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके, थैंक यू। वेलकम मिस भारती, वेलकम टू द पार्टी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम। Hello Ashok. Hello, how do you do? Fine, thank you. Hello little lady. Neeta. दोस्तों, ये हमारी खुशनसीबी है कि भारत की सबसे सुंदर हसीनतर हस्ती ने हमारी दावत मंजूर की है और यहां हमारे बीच आकर हमारी इज्जत अफजाई की है। हम आप सब की तरफ से और अपनी तरफ से मिस भारती को फैशन क्वीन चुने जाने की बधाई देते हुए स्वागत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। भारती देवी, मैं आई हैव अ डांस विद यू।
श्योर Dance with you, little lady. Neeta. Come along. Ladies and gentlemen, आज साल का नया दिन नहीं है लेकिन उससे भी बड़ा दिन है इस समय ठीक 12 बजे एक नया साल शुरू हो रहा है किसी खूबसूरत जिंदगी का जी हां आज मिस भारती का जन्मदिन है हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू आपने तो कमाल कर दिया मेरे जन्मदिन का पता कैसे लगा पता लगाने वाले लगा ही लेते हैं अपने जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई स्वीकार कीजिए मैं अभी आई I'm sorry, darling. मुझे तो याद ही नहीं रहा तो क्या हुआ मुझे भी कहाँ याद था लेकिन अब तो बधाई दो जन्मदिन मुबारक हो गुड लक हैप्पी बर्थडे दीदी थैंक्स डार्लिंग आइए मिस्टर रमेश I'm terribly sorry. लेकिन मैं चाहती थी सबसे पहले बधाई अशोक से लो My pleasure. अपने जन्मदिन पर मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए ये तो हीरे का है मैं इतना कीमती प्रेजेंट कैसे ले सकती हूँ कीमती तो नहीं हीरे नकली हैं, असली नहीं तब तो ठीक है मिस्टर अशोक इसे आप पहनाएंगे कि जी आप ही पहना दीजिए इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया और देखो वहां मॉडल की तरह नहीं बहू की तरह बैठना समझी अच्छा दादी माँ ये हंसने की बात नहीं है वहां अशोक जी के माता पिता के पैर छूना कम बोलना और सिर पर पल्लू डालकर नीची नजर करके बैठना समझे यस माय डार्लिंग ऐसे फिर नजर ऊपर कर ली नीचे नीचे जीती रहो जितनी सुंदर है उतनी सुघड़ भी पर ना आजकल की लड़कियां कहां सर पे पल्लू रखती हैं पैर छूती हैं क्यों जी हाँ भाई वो तो है हाँ बेटी बैठो फिर ये भी तो देखो कितना नाम किया है इसने हाँ बिना किसी मदद के अपने पांव पे खड़ी हुई है भाई सच पूछो तो मैं तो लड़कियों को आजकल लड़कों से बिल्कुल कम नहीं समझता उन्हें बराबरी से काम करना चाहिए ये मैं इस मुन्नी से भी यही कहता रहता हूँ कि तुमसे कुछ सीखे चूल्हा चक्की में ही सब कुछ नहीं रखा है और अशोक मिया बड़े लकी हो कि तुम्हें ऐसी पढ़ी लिखी और काम करने वाली लड़की मिल गई भारती मुझे काम करने वाली पत्नी नहीं चाहिए शादी के बाद तुम नौकरी वाकरी कुछ नहीं करोगे दिन भर घर में बैठकर क्या करूंगी क्या करोगी खाना बनाओगी घर की देखभाल करोगी मेरा इंतजार करोगी और ढेर सारे बच्चे पैदा करोगी पूरी एक फुटबॉल टीम 11+1 समझ गई समझ गई एंड नो मॉडलिंग नो मॉडलिंग और मॉडलिंग अगर करोगी भी तो सिर्फ मेरे लिए तुम्हारे लिए तुम मुझे क्या समझती हो आई एम अ ग्रेट आर्टिस्ट डिडंट यू नो दैट आई एम अ ग्रेट आर्टिस्ट ही मत करो चुपचाप बैठी रहो कितनी देर और लगेगी अरे बाबा तुम्हें मॉडल किसने बना दिया 2 मिनट सीधा नहीं बैठ सकती हिलो मत अच्छा बाबा बन गई ये कौन है तुम और कौन क्या मैं ऐसी लगती हूँ अरे मेम साहब ये तो कलाकार की कल्पना है जो भविष्य की तस्वीर उतार लेती है ये तुम
और ये तुम्हारे एक दर्जन बच्चे, पूरी एक फुटबॉल टीम, 11+1। अब जल्दी शादी करो, बहुत काम करना है। अगर मेरे बारे में तुम्हारी ये कल्पना है तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अरे भाई सुनो तो सही।
अपनी जवा धड़कने लुटाऊंगा। मैं सुबह तुमको जगाऊंगी, लब पे लब रख कर मैं तुमको भींच के कुछ और पास लाऊंगा। शर्त है तुम मुस्कुरा के हाँ कह दो। मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग दीदी। ये लो। थैंक्स। फोन वोन तो नहीं आया? वेल, अभी तक तो नहीं आया। हाय अशोक। जी जी, मैं अशोक नहीं, रमेश बोल रहा हूँ। कौन? रमेश गुप्ता। आप मेरी पार्टी में बोर तो नहीं हुई ना? हाँ जी, आपकी पार्टी बहुत अच्छी थी। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। अच्छा सुनिए, पार्टी के फोटोग्राफ्स आ गए। इतनी जल्दी? बंदे का हर काम तो ऐसे ही होता है। आप ये फोटो देखना चाहेंगी? कब ला सकते हैं आप? आप कहें तो अभी हाजिर हो जाऊं? 9:30 बजे तक। ठीक है, 9:30 बजे बंदा हाजिर हो जाएगा। बाय। दीदी मैं स्कूल जा रही हूँ। तुमने कुछ कहा? मैंने कहा मैं स्कूल जा रही हूँ। नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया, तुम्हारे लिए रखा है। ओके बाय। बाय। अरे आप? जी हाँ, आपकी दीदी ने याद फरमाया, हम हाजिर हो गए। आइए अंदर आइए। थैंक यू। तशरीफ रखिए। दीदी तू अभी तक गई नहीं? मिस्टर रमेश गुप्ता आए हैं। ठीक है, उन्हें बिठा दो, मैं अभी आई। अच्छा दीदी अभी आ रही है, आप तशरीफ रखिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं। आप कुछ पियेंगे? नो थैंक्स, मुझे स्कूल जाना है, प्लीज डोंट माइंड। नॉट एट ऑल, काम पहले। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। ओह थैंक यू मिस्टर गुप्ता, आई एम सॉरी देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इस समय तो आप बिल्कुल कमल के फूल की तरह खिल रही हैं। वही जो कीचड़ में खिलता है। नहीं नहीं। फोटो कैसे आए? अच्छे आए हैं, आप खुद ही देख लीजिए ना। ये देखिए। अच्छा है ये। वेरी नाइस। और अब देखिए मेरी जिंदगी की हसीन यादगार ये जो। एक्सक्यूज मी मैम साहब, सब्जी वाला? नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, मैं समझी अशोक है। मैं आपको ये फोटोग्राफ दिखा रहा था जी। कैसी लगी? वेरी नाइस। और ये? और अब मैं आपको सुंदरता की देवी की वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसे खाकसार ने पूजा के ब्रश पर श्रद्धा के रंग लेकर अपने खूने जिगर से बनाया है। अच्छा जी हाँ। भारती जी आपने अपनी बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन मेरा यकीन है जो इस तस्वीर को देख लेगा देखता ही रह जाएगा। इस पर एक शेर याद आ गया, तुझे देखा तो औरों को किन आंखों से हम देखें, ये आंखें फूट जाएं गर चैन आंखों से हम देखें। अच्छा शेर है।
वाकई? जी शुक्रिया। लेकिन इस तस्वीर को दिखाने से पहले एक शर्त है, प्लीज आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए एक मिनट के लिए, प्लीज। ओके, थैंक यू। अब आंखें खोलूं? प्लीज एक सेकंड और। अब देखिए। हाय अशोक, कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ और तुम्हें अब टाइम मिला फोन करने का। हमारी फुटबॉल टीम की होने वाली माँ, सुबह सुबह क्यों बरस रही हो? सुबह सुबह 10 बज गए और तुम तो 8 बजे फोन करने वाले थे। जाने मन, सपने में तुम्हें देखता रहा, देर हो गई। तुम्हें हमेशा देर हो जाती है। अब पत्नी की तरह डांटना बंद करो और मेरी एक बात सुनो। सुनाइए। कुछ सुनाओ तो सुनूं। एक बहुत अच्छी खबर है। क्या अच्छी है? मैंने कहा एक बहुत अच्छी खबर है, सुनोगी तो गार्डन गार्डन हो जाओगी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, खेलो। पहले बताओ अच्छी खबर क्या है? हम और तुम आज रात को साथ में डिनर करेंगे। बस यही है अच्छी खबर? बीच में मत बोला करो। सॉरी सर, फरमाइए। डिनर से पहले हमारी मंगनी होगी। रियली? तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। आखिर फुटबॉल टीम बनाने के लिए लाइसेंस भी तो चाहिए। ओ अशोक, आई लव यू। सो डू आई। आज का दिन बड़ा लकी है। आई लव यू स्वीट हार्ट। ओ अशोक, आई लव यू माई डार्लिंग। कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, अब तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं। अच्छा, वहीं पे मिलेंगे। बाय। ये क्या बदतमीजी है? क्या समझती हो तुम अपने आप को? मेरी पेंटिंग देखने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, लेकिन फोन पर घंटों बातें करने के लिए वक्त है। What do you mean? Get out! I said get out! Nobody tells me get out! What? मैं तेवर देखने का आदी नहीं हूँ खूबसूरत बला। पार्टी में सबके सामने तुमने मेरी बेइज्जती की। मेरा बड़ा हुआ हाथ छोड़कर तुम अशोक से हाथ मिलाने गई। आज मैं चाहूंगा कि तुम्हारा हाथ सिर्फ मेरे लिए बढ़े। मिलाओ हाथ। हाथ Now kiss me. No. Kiss me. No. Kiss me. No. जिंदगी में कभी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की।
अरे दीदी अभी तक गई नहीं? दीदी दीदी मंगनी का दिन अभी तक तैयार नहीं हुई। भारती क्या हुआ? भारती बोलती क्यों नहीं? भारती क्या हुआ? भारती तुम ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हुआ? तुम बोलती क्यों नहीं? भारती अशोक अशोक मेरा सब कुछ खो गया। मैं उस गुप्ता के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं भारती नहीं, हट जाइए इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर मिस्टर इंस्पेक्टर साहब इन्हें जाने मत दीजिए, मैंने आपको फोन किया था। डोंट वरी मिस, होश से काम लो, गुस्से से काम नहीं चलता, अंडरस्टैंड? My God, मुख्तार। Yes sir. Dressing table. Yes. ये बेड। Yes. और टूटी हुई कुर्सी की फोटो लो। Okay sir. उसे सजा होगी? बलात्कार साबित करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अक्सर अपराधी पूरे सबूत न मिलने से छूट जाते हैं। फिर उससे सजा मिले या ना मिले, पर औरत की बदनामी जरूर होती है। एक बात जो कोई नहीं जानता था, सारी दुनिया जान जाती है और उसका जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अदालत में जाने से पहले पूरी तरह सोच लो। मैंने सोच लिया है, अब न मुझे दुनिया की परवाह है न बदनामी का डर। तुम शायद नहीं जानती कि एक औरत के लिए बलात्कार का मुकदमा बलात्कार से कम नहीं होता। वकीलों के सवाल जवाब इतने नंगे घिनौने और जलील करने वाले होते हैं कि शरीफ औरतें अदालत में जाने के नाम से डरती हैं। तो आपके ख्याल में हमें चुप रह जाना चाहिए? एक वकील के नाते तो मेरी यही राय है, पर एक औरत के नाते हमें इस प्रतिजुम से लड़ना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन इस डर का सामना करना ही पड़ेगा। किसी ना किसी औरत को दुनिया के सामने खड़े होकर कहना ही पड़ेगा कि औरत को ना कहने का हक है और किसी भी पुरुष को यह अधिकार नहीं
कि बिना एक औरत की मर्जी के उसके शरीर को छू तक सके। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना ही होगा। हम में से किसी औरत को बलि का बकरा बनना ही होगा। और आप चाहती बलि का बकरा भारती बने? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसे साफ छूट जाने दोगे? आज उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, कल किसी और की करेगा, और हम बदनामी के डर से उसे मनमानी करने देंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसे जेल भिजवा कर रहूंगी, किसी भी हालत में उसे जेल भिजवा कर रहूंगी। चंद्रा साहब, अब क्या होगा? मुझे जेल हो जाएगी? तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैंने किया है। तुम्हें जेल जाना है ना? तो फिर याद रखो, तुमने कुछ नहीं किया है। यू डिड नॉट रेप हर। फिर अदालत में तुम वही कहोगे जो मैंने तुम्हें बताया है। वही सच है, और सच के सिवा कुछ नहीं है। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर चंद्रा, यू मे प्रोसीड नाउ। मिस्टर चंद्रा। यस योर ऑनर। इफ यू प्लीज, यू मे प्रोसीड। आप पहली बार भारती देवी को कब मिले थे? जिस दिन वो फैशन क्वीन चुनी गई थी। और मैंने इन्हें ताज पहनाया था। अच्छा, यह फोटो तभी की है? जी हाँ। दूसरी मुलाकात कब हुई थी? इनकी शूटिंग पर। शूटिंग पर? यह फोटो उसी शूटिंग की है? जी हाँ। और ये? जी। ये? जी। और ये भी? जी हाँ, ये सभी। हाँ, तो ये सब शूटिंग जिसके ये फोटो हैं, तुम्हारे सामने हुई थी? जी। हाँ, और भी लोग शूटिंग देखने आए होंगे? जी नहीं, कोई नहीं। वहां किसी बाहर के आदमी को आने की इजाजत नहीं थी, मैं ही सिर्फ बाहर का था। अच्छा, तो ये सब नजारे तुमने दूसरी मुलाकात में ही देखे, राइट? जी। अच्छा, तीसरी मुलाकात कब हुई? मेरी लॉन्च पर, जहां भारती जी का जन्मदिन मनाया गया था। अच्छा, तो इनका जन्मदिन आपकी लॉन्च पर मनाया गया था? जी हाँ। और ये साथ में नाचते हुए फोटो तभी के हैं? जी। और ये एक दूसरे के इतने करीब? जी हाँ। अच्छा, और ये गले में हार पहनाते हुए? जी जी हाँ, ये भी। योर ऑनर, ये सब फोटो मिस्टर रमेश गुप्ता और भारती देवी की 6 दिनों में हुई 3 मुलाकातों की कहानी बता रहे हैं। अच्छा, चौथी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? 10 जुलाई को भारती जी के घर पर। अच्छा, तो इनके घर आप बगैर बुलाए गए थे? जी नहीं, नहीं, भारती जी ने बुलाया था। अच्छा, बर्थडे के फोटोग्राफ्स देखने के लिए। अच्छा अच्छा, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मैं 9:30 बजे के बाद घर आऊंगा। क्यों? उस वक्त इनकी बहन घर पर नहीं होगी। हाँ, हम लोग आराम से बातें कर सकेंगे। अच्छी, ये बिल्कुल झूठ है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आपको तो शायद तस्वीरें भी झूठ लगे। अच्छा, आप वहां गए थे? जी गया था। वहां क्या क्या हुआ था? मैं ड्राइंग रूम में सारी तस्वीरें सजाकर बैठा हुआ था। टेप रिकॉर्डर पर आजा मेरी बाहों में आजा की धुन बज रही थी। घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। तभी भारती जी बाथरूम से लाल गाउन लपेटे हुए बाहर निकली। ओ रमेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। देखिए तस्वीरें आ गई। कैसी हैं? अच्छी हैं, लेकिन तुमसे अच्छी नहीं। जी, थैंक यू। ये बीच वाली तस्वीर कैसी लगी आपको? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। जी, अंदर चलो। कैसी लगी? बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत।
लेकिन ये जंजीरें क्यों? जंजीरें तो औरत का जेवर होती हैं। गले में जंजीर का हार, कमर में जंजीर की करधनी, पैर में जंजीर की पायल। मुझे भी जंजीरों में बांध सुना। मैं हैरान रह गया, मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया। लो पहना दो पायल। पायल? ऐसे। अब इस पैर में अपने हाथ पर क्यों बनवा रही हैं? औरत हर रंग में जीना चाहती है, कभी मजबूर होती है, कभी मजबूरी का नाटक करती है। इसे बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ सके। तुम तो बुद्धू हो, तुम क्या समझोगे? कुटिया ही गिनते रह जाओगे। आ जाओ। और मैं आ गया जज साहब। ये सब झूठ है, घड़ी हुई कहानी है। ये झूठ है नहीं, योर ऑनर, झूठ बना दिया गया है, क्योंकि इनकी छोटी बहन नीता अचानक उसी वक्त वहां आ पहुंची और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। अच्छा, जब उनकी बहन ने दरवाजा खोला तब आप दोनों किस हालत में थे? जी जी, हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। फिर भारती जी अपनी बहन को देखते ही चौंक गई और बोली, ओ माय गॉड, नीता इतनी जल्दी कैसे चली आई? मेरे बारे में क्या सोचेगी? ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। तो फिर क्या हुआ मिस्टर गुप्ता? फिर क्या, मुझे बलात्कार के जुर्म में लाकर यहां खड़ा कर दिया गया। जज साहब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, मैंने ये काम पहली बार किया है। हाँ जज साहब, मेरी गलती है तो सिर्फ ये कि मैंने ना नहीं कह सका। हाँ जज साहब, अगर आप भी मेरी जगह होते तो इन्हें ना नहीं कह सकते थे। आप मेरी बात को यूं हंसी में न टालिए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए, वो एकदम ब्यूटी क्वीन है, बिजली है, देखते ही आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। योर ऑनर, एक ब्यूटी क्वीन किसी को अपने घर बुलाकर उसके सामने सारे कपड़े उतार खुद को पेश करे तो विश्वामित्र की तपस्या भी टूट जाती है। यह तो एक सीधा साधा इंसान है। वैसे इसमें भारती देवी की भी कोई गलती नहीं है, वो भी इंसान है, जवान है, खूबसूरत है, नए जमाने की है, मॉडलिंग करती हैं, सोसाइटी में उठती बैठती हैं। रमेश गुप्ता भी खूबसूरत है, जवान है, मालदार है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, तो इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ नाचते हैं, गाते हैं, अकेले में मिलते हैं, और वो सब कुछ करते हैं जिसे नए जमाने के लोग बुरा नहीं समझते। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील साहिबा, आपके या मेरे ऑब्जेक्ट करने से नए जमाने के लोग मानने वाले नहीं। उन्हें जो अच्छा लगता है करते हैं, कुछ खुलेआम करते हैं, कुछ छुप छुप के करते हैं, लेकिन मोहब्बत करते हैं, बलात्कार नहीं। योर ऑनर, बलात्कार करने वाला खुलेआम एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर कभी नहीं आता जो दूर से भी पहचानी जा सके, या सबूत के लिए तमाम फोटो भी छोड़कर नहीं जाता। अगर रमेश गुप्ता को बलात्कार करना होता तो वो भारती देवी के घर क्यों जाता? उसे फिर एक बार बीच समंदर अपने लॉन्च पर ले जाता, जहां इनकी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया योर ऑनर, क्योंकि ये बलात्कार नहीं, मोहब्बत थी। योर विटनेस। आप जानते हैं मोहब्बत क्या होती है? जी हाँ। क्या होती है?
अब मोहब्बत मोहब्बत होती है, प्यार, लव। तो 10 जुलाई को आप वहाँ मोहब्बत करने गए थे। I object, Your Honor. She is attributing motives. You object? Okay. Mr. Ramesh Gupta, आप वहाँ मोहब्बत करने नहीं, तो क्या बलात्कार करने गए थे? Objection overruled. Thank you, Your Honor. 10 जुलाई से पहले आप कभी भारती देवी के घर गए थे? नहीं। और कहीं अकेले मिले थे? नहीं। इसका ये मतलब है कि 10 जुलाई को पहली बार आपने भारती देवी को अकेले पाया। जी। आपने भारती देवी को पहली बार कहाँ देखा था? फैशन क्वीन कॉन्टेस्ट में। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। और आपके दिल में बेईमानी आ गई। I object, Your Honor. बेईमानी आ गई थी, Your Honor. इसलिए 100 में से 200 नंबर दिए गए थे। 100 में से 200 नंबर दिए कि नहीं? जवाब दीजिए। दिए। Overruled. उसके बाद उन्हें अपनी लॉन्च पर पार्टी देने के लिए आप उनकी शूटिंग पर गए थे? जी हाँ। किस चीज की शूटिंग थी? किसी नाइटी की एडवर्टाइजिंग की। आपके लिए तो नहीं? जी नहीं। उस रात पार्टी में आपने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी? जी हाँ। उन्होंने क्या कहा? थैंक यू। और क्या कहेंगे? फिर सोच लीजिए, और कुछ तो नहीं कहा? जी नहीं, मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं कहा था। वो आपका हाथ छोड़कर किसी और से हाथ मिलाने गई थी? जी हाँ, मिस्टर अशोक से हाथ मिलाने के लिए गई थी। आपको बुरा नहीं लगा? इसमें बुरा लगने की क्या बात है? आपकी लॉन्च पर, आपकी दी हुई पार्टी में आपका बड़ा हुआ हाथ छोड़कर किसी और से हाथ मिलाने गई और आपको बुरा नहीं लगा? जी नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो सबसे पहले जन्मदिन की बधाई मिस्टर अशोक से लेना चाहती थी, ये उनकी मर्जी है, इसमें मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये फोटो तभी का है? ये फोटो आपको कहां से मिला? ये फोटो उस पार्टी का है या नहीं? है। इसमें तो साफ नजर आता है कि आप गुस्से से जल रहे हैं और आप कहते कि आपको बुरा नहीं लगा। मैं वो तस्वीर देखना चाहूंगा, योर ऑनर। योर ऑनर, पार्टी में ली हुई इस तस्वीर का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं। पार्टी में ली इस तस्वीर का अगर इस मुकदमे से कोई मतलब नहीं, तो पार्टी में ली इन तमाम तस्वीरों का क्या मतलब था? इन तस्वीरों को दिखाकर वकील साहब ये साबित करना चाहते हैं कि भारती देवी रमेश गुप्ता से मोहब्बत करती थी, जबकि सच ये है कि दौलत की चमक दमक दिखाकर रमेश गुप्ता भारती देवी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, और जब वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने बदला लेने का फैसला कर लिया। बदला? बदला और भारती जी से? ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हुआ है। ये छुरा पहचानते हैं आप? छुरा? जी हाँ, ये छुरा। 10 जुलाई को आपने इस छुरी से क्या किया था? मैंने क्या किया था? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ में आ जाएगा। मिस्टर रमेश गुप्ता, आप अपने दाहिने हाथ से काम करते हैं या बाएं हाथ से? दाहिने हाथ से। लेकिन फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में लिखा है कि इस छुरी पर आपके बाएं हाथ की उंगलियों के निशान पाए गए थे। छुरा दिखाकर उसे डराया होगा, धमकाया होगा? I object, Your Honor. Your Honor, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि छुरी का इस्तेमाल किस लिए किया था। Proceed. आपने छुरी का इस्तेमाल किस लिए किया था? इनके बंधन काटने के लिए। जब बांधे थे तो काटे क्यों? मुझे कहा था बांधो, बांध दिए। मुझे कहा था काट दो, काट दिए। लेकिन उसके लिए छुरा बाएं हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? आप तो दाहिने हाथ से काम करते हैं। जज साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। टेप रिकॉर्डर पर भी आपकी उंगलियों के निशान हैं। उसकी आवाज तेज की थी या कम? कम। वेरी गुड। क्यों? आप उधर क्या देख रहे हैं? नहीं नहीं, तेज की थी। मिस्टर रमेश गुप्ता, एक ब्यूटी क्वीन सारे कपड़े उतार कर आपके सामने खड़ी थी और आप टेप रिकॉर्डर की आवाज तेज करने गए थे, क्यों? मुझे कुछ याद नहीं। अब आपको कुछ याद नहीं आ रहा है? चलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ। आपने टेप रिकॉर्डर की आवाज इसलिए तेज की थी कि कोई उनकी चीख पुकार ना सुन सके, जिससे उनकी आवाज सुनकर कोई मदद को ना सके। नहीं, ऐसा नहीं। याद कीजिए, आपने छुरा बाएं हाथ में इसीलिए लिया था कि दाहिने हाथ से आप उनके कपड़े फाड़ रहे थे।
याद कीजिए, आपने चुरा बाएं हाथ में इसलिए लिया था कि दाहिने हाथ से आप उनके मुंह में कपड़ा ठूस सके, उनके हाथ पैर बांध सके। नहीं 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 योर ऑनर, इन बातों का कोई सबूत नहीं कि छुरा दिखाकर मुंह में कपड़ा ठूसा गया, जबरदस्ती इनके हाथ पांव बांधे गए। यह झूठ है, एक कहानी है। जी हाँ, ये कहानी है, एक सच्ची कहानी, एक औरत पर किए गए बलात्कार की कहानी है, जो खुशामद और पैसे से ना मिल सका उसे छीन लेने की कहानी। योना, ये कहानी उस दिन शुरू होती है जिस दिन रमेश गुप्ता ने भारती देवी को पहली बार देखा था। उसी दिन उसके दिल में बेईमानी आ गई थी, इसलिए 100 में से 200 नंबर दिए गए, पार्टी दी गई, हीरो का हार दिया गया। मिस्टर रमेश गुप्ता ने सोचा कि भारती देवी भी ऊंची सोसाइटी की उन लड़कियों में से है जो पार्टी और नेकलेस के जाल में फंस जाएगी, लेकिन उनकी बात नहीं बनी और जन्मदिन की पार्टी पे उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि भारती देवी सिर्फ मिस्टर अशोक शर्मा से मोहब्बत करती है और वहां उनका कोई चांस नहीं। तभी से वो भारती देवी से अकेले मिलने का मौका ढूंढ रहे थे। मिस्टर रमेश गुप्ता को अच्छी तरह मालूम था कि भारती देवी उनकी लॉन्च पर कभी भी अकेली नहीं जाएगी और मौका उनके घर पर ही मिल सकता है, इसीलिए फोटो दिखाने के बहाने वो उनके घर पहुंच गए। अकेला पाते ही टेप रिकॉर्डर की आवाज तेज कर हाथ में छुरा लेकर उन पर झपट पड़े, हाथ पैर बांधकर उनका सब कुछ लूट लिया, उन्हें बर्बाद कर दिया, मिटा दिया। मिस्टर रमेश गुप्ता, एक रोज जिस औरत ने तमाम लोगों के सामने आपको ताज पहनाने की इज्जत दी, अकेला पाते ही आपने उसी की इज्जत लूट ली। वाह, क्या बेमिसाल मोहब्बत है आपकी जो हाथ में छुरा लेकर की जाती है। योर ऑनर, वकील साहब, हाथ में छुरा लेकर मोहब्बत नहीं की जाती, बलात्कार किया जाता है जो मिस्टर रमेश गुप्ता ने किया है। इसके लिए इन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर कभी कोई आदमी किसी अबला की इज्जत लूटने की हिम्मत ना कर सके। That's all, Your Honor. The court is adjourned. भारती जी, आप ऐसे क्यों चुप खड़ी हैं? क्यों नहीं अदालत को सच सच बता देती? आपने जो चाहा मैंने वही किया और आज आप ही मुझे बर्बाद करने पर तुली हैं। अगर आज आपने अपनी जुबान बंद रखी, अदालत को सच सच न बताया तो ये बेगुनाह मारा जाएगा। भारती जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज भारतीय अदालत को सच सच बता दीजिए। Yes, Mr. Chanda. हाँ तो भारती देवी, आपने टाइपिंग शॉर्ट हैंड का एक डिप्लोमा किया है? जी हाँ। आपको एक बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी की नौकरी मिल रही थी, क्यों नहीं की? क्योंकि मॉडलिंग में मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सेक्रेटरी की नौकरी करना ज्यादा इज्जतदार है? वकील साहब, आप भी किसी कॉलेज में कानून के प्रोफेसर हो सकते थे, क्या जो काम आप कर रहे हैं ज्यादा इज्जतदार है? मिस भारती, इस कटहरे में जवाब देने के लिए आप खड़ी हैं, मैं नहीं। वकील साहब, मेरा सवाल ही आपके सवाल का जवाब था। अच्छा, 7 जुलाई को मिस्टर रमेश गुप्ता की पार्टी में आप गई थी? वो पार्टी मेरे लिए ही दी गई थी। अच्छा, तो उस पार्टी में ये सब फोटो आपने खिंचवाए थे? ये फोटो खींचे गए थे, खिंचवाए नहीं गए। अच्छा, 10 जुलाई को मिस्टर रमेश गुप्ता को आपने अपने घर बुलाया था? जी नहीं, मैंने नहीं बुलाया, ये फोटो दिखाने आना चाहते थे, मैंने आने दिया। आने दिया, और जानबूझकर उसी वक्त आने दिया जिस वक्त आप घर में अकेली थी? जी नहीं, इनके लिए दरवाजा मेरी छोटी बहन ने खोला था।
और ये जानते हुए भी कि मिस्टर रमेश गुप्ता ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप बाथरूम से सिर्फ गाउन पहन के बाहर आई? बाथरूम से मैं सिर्फ गाउन ही पहनकर बाहर आती हूँ, कपड़े अपने बेडरूम में जाकर बदलती हूँ, और पास में ड्राइंग रूम भी पड़ता है, क्योंकि मेरी छोटी सी फ्लैट में बाथरूम बेडरूम से लगा हुआ नहीं है। यह नंगी तस्वीर आपके बेडरूम में थी? शायद आपको आर्टिस्टिक चीज भी नंगी लगती है। मैं पूछ रहा हूँ आपके बेडरूम में थी या नहीं? जी हाँ थी। उसी बेडरूम में जिसमें आप रमेश गुप्ता को लेकर गई थी? मेरे फ्लैट में सिर्फ एक बेडरूम है, और वहां मैं किसी पराए आदमी को लेकर नहीं जाती, रमेश गुप्ता को भी नहीं। लेकिन आप उन्हें शूटिंग दिखाने तो ले गई थी? मैं शूटिंग दिखाने भी किसी को लेकर नहीं जाती, ये खुद आए थे। तो आप कहती हैं कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने आपके हाथ पैर बांध दिए थे, तो आप बाहर कैसे निकली? जाने से पहले इन्होंने मेरे एक हाथ की रस्सी काट दी थी। अरे वाह, एक आदमी जो बलात्कार के लिए हाथ पैर बांधेगा खोलेगा क्यों? इसका जवाब खोलने वाले से पूछिए। अच्छा, बंधन खुलते ही आपने उस पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि सिर्फ एक हाथ खोला था, पैर मैंने खुद खोले। अच्छा, आपने अपनी बहन को दरवाजा खोलते हुए देखा था? जी। तो फिर रक्षा के लिए चिल्लाई क्यों नहीं? तब रक्षा के लिए बचा ही क्या था। अच्छा, पुलिस को फोन करते वक्त आपको बदनामी का ख्याल नहीं आया? सिर्फ एक ख्याल आया था कि रमेश गुप्ता को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए, जिससे वो किसी और की जिंदगी खराब ना कर सके। अच्छा अच्छा, मुलाकातों के बीच कभी आपको ऐसा लगा कि मिस्टर रमेश गुप्ता की आप पर बुरी नजर है? ऐसा लगता तो मिलते ही क्यों। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि अचानक आपके कपड़े फाड़ कर, जैसे आप कह रही हैं, आपकी इज्जत लूटने लगा? इंसान और जानवर के बीच शराफत की एक बारीक सी लकीर होती है, कुछ लोग इस लकीर को मिटाकर जंगली बन जाते हैं। ऐसे जानवरों को पिंजरे में बंद कर देना बहुत जरूरी है। लगता है आप और आपके विद्वान वकील साहिबा मिस्टर रमेश गुप्ता को उनका जुर्म साबित होने से पहले ही जेल भिजवा देना चाहती हैं। लेकिन मैं पूछता हूं योर ऑनर, है कोई सबूत इस बात का कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने भारती देवी के साथ जबरदस्ती की है? कोई गवाह जिसने बलात्कार होते हुए देखा है? सबूत है योर ऑनर, पैरों से कुचली हुई यह तस्वीर जो पुलिस को उस घर से मिली। मोहब्बत करने वाले अपनी महबूबा की तस्वीर पैरों से नहीं कुचलते। सबूत है ये फोटोग्राफ्स जो पुलिस ने वारदात के फौरन बाद लिए। ये टूटी हुई कुर्सी, ये लुढ़की हुई मेज, ये चूर चूर शीशा, ये सब इस बात के जीते जागते सबूत है योना कि उस कमरे में एक तूफान आया था। वहां की हर चीज चीख चीख कर कह रही है कि वहां मोहब्बत नहीं बलात्कार किया गया था। लेकिन योर ऑनर, ये सब सबूत इस बात के भी तो हो सकते हैं कि मोहब्बत को बलात्कार का नाम देने के लिए यह तूफान मिस्टर रमेश गुप्ता के जाने के बाद लाया गया था। यह सब सबूत इस बात के भी हो सकते हैं कि भारती देवी, जिन्होंने ज्यादा पैसे के लिए मॉडलिंग की थी, और ज्यादा पैसों के लिए मोहब्बत की हो। लेकिन जब इनकी यह मोहब्बत देख ली गई, तब एक कहानी बनाने के लिए अपनी पेंटिंग को जमीन पर पटक कर उसे कुचल दिया, कमरे की सारी चीजें उलट पुलट कर दी और पुलिस को फोन कर दिया। योर ऑनर, ये सारे सबूत जो सिर्फ 5 मिनट में पैदा किए जा सकते हैं, झूठे हैं। इन्हें दिखाकर सिर्फ सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर पूछता हूं, है कोई गवाह जिसने रमेश गुप्ता को भारती देवी का बलात्कार करते हुए देखा है? योर ऑनर, मैं काबिल वकील साहब को बता देना चाहती हूं कि बलात्कार के समय ना पुलिस पास होती है, ना कानून पास होता है, और ना कोई शरीफ गवाह। अगर इनमें से कोई भी पास होता तो फिर बलात्कार ही ना होता। योर ऑनर, वकील साहिबा बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि जहां शरीफ गवाह होता है वहां बलात्कार हो ही नहीं सकता। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि यह बलात्कार नहीं है, इसलिए कि वहां एक शरीफ गवाह मौजूद था। उसे न जाने क्यों वकील साहिबा ने छुपा कर रखा है अभी तक, शायद इसलिए कि उसने अपने आंखों से सब कुछ देख लिया है। योर ऑनर, वह चश्मदीद गवाह है भारती देवी की छोटी बहन नीता सक्सेना। योर ऑनर, असल में यही लड़की इस केस की जड़ है, जो शुरू ही ना होता अगर नीता सक्सेना अचानक पहुंचकर अपनी बहन को उस हालत में ना देख लेती। योर ऑनर, एक औरत दूसरों की नजरों में गिरना बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी संतान
अपने भाई बहनों के नजर में नहीं, वहां वो हमेशा देवी बना रहना चाहती है। भारती देवी भी एक औरत है और अपनी छोटी बहन की नजरों में एक आदर्श नारी बने रहने के लिए यह जरूरी था कि मोहब्बत को बलात्कार का नाम दे दिया जाए, और वही उन्होंने किया है। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि नीता सक्सेना को गवाही के लिए बुलाया जाए। नीता सक्सेना को पेश किया जाए। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? नीता सक्सेना। क्या करती हो? स्कूल में पढ़ती हूँ। घर से स्कूल जाने के लिए कितने बजे निकलती हो? 9:30 बजे। और वापस कितने बजे आती हो? 5:30 बजे। यानी कि 8 घंटे तुम घर से बाहर रहती हो। जी हाँ। तुम दोनों के अलावा घर में और भी कोई है? जी नहीं। अच्छा, 10 जुलाई को तुम घर से कितने बजे निकली थी? 9:30 बजे। और वापस कितने बजे आने वाली थी? 5:30 बजे। और तुम्हारी दीदी को पता था कि तुम इतनी देर तक बाहर रहोगी? जी पता था। तो अचानक वापस कैसे आई? मैं अपनी स्कूल की कॉपी भूल गई थी। अच्छा, तो घर आकर क्या किया? कॉपी उठाकर मैंने अपनी दीदी के बेडरूम का दरवाजा खोला। वहाँ क्या देखा? वहाँ देखा क्या? देखा देखा मेरी दीदी जमीन पर लेटी हुई थी और मिस्टर रमेश गुप्ता ऊपर थे। यानी मोहब्बत कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुमने अपनी आंखों से देखा है तो क्यों नहीं हो सकता? मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती, वो सिर्फ अशोक जी से प्यार करती है। अच्छा, तो वो दोनों प्यार नहीं कर रहे थे? नहीं। अगर वो दोनों प्यार नहीं कर रहे थे, अगर मिस्टर रमेश गुप्ता जबरदस्ती कर रहे थे, तो तुमने किसी को मदद के लिए पुकारा क्यों नहीं? पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? मैं घबरा गई थी और घबराहट में वहां से भाग गई। और भागने से पहले दरवाजा बंद किया था? किया था। क्यों किया था? खुला था, बंद कर दिया, जैसे हमेशा करती हूँ। जैसे हमेशा करती हो, जब भी तुम्हारी दीदी किसी के साथ बेडरूम में होती है? नहीं, मेरी दीदी ऐसी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो वो प्यार करते थे, लड़ाई नहीं, नहीं। इसलिए तुमने उसकी मदद नहीं की। नहीं, नहीं। तुमने किसी को मदद के लिए पुकारा भी नहीं, तुमने पुलिस को फोन भी नहीं किया। नहीं। बस एक समझदार लड़की की तरह धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर चली गई, जैसे हमेशा करती रही। नीता, मैं कुछ सवाल पूछ लूं? 10 जुलाई से पहले कभी तुमने रमेश गुप्ता को अपने घर में देखा? नहीं। पहले कभी किसी और आदमी को बेडरूम में देखा था? कभी नहीं। जब तुमने अचानक बेडरूम का दरवाजा खोला तो भारती देवी ने तुम्हें देखा? मैंने उन्हें देखते हुए नहीं देखा। वापस आने के बाद तुमने क्या किया? दरवाजा खुला था, मैं अंदर आ गई। पुलिस स्टेशन फौरन आइए, यहां बलात्कार हुआ है। भारती सक्सेना, आनंद विला, 15th रोड। That's all, Your Honor. Your Honor, सिर्फ एक सवाल और। इजाजत है? हाँ। तो नीता, बलात्कार के बारे में पहली बार तुमने अपनी बहन को फोन पर कहते सुना? हाँ? जी। तुम जानती हो ये रेप हो या बलात्कार क्या होता है? किसी से जबरदस्ती मोहब्बत करना। हाँ, तो तुमने मिस्टर रमेश गुप्ता को कोई जबरदस्ती करते हुए देखा? देखा या नहीं? नहीं। लेकिन उनकी दोस्ती और रजामंदी के तमाम सबूत हाजिर हैं। सबूत नंबर एक, इनके साथ पार्टी में खींचे हुए ये फोटोग्राफ्स, ये बाहों में बाहें डाले हुए, ये गले में 15,000 रुपयों का हार पहनाते हुए। वो हार नकली है, हीरे झूठे हैं। हीरे झूठे नहीं है, आप झूठी हैं। योर ऑनर, ये रहा इस हार का बिल जो 15,000 रुपयों से ज्यादा है।
सबूत नंबर दो, अपनी खूबसूरती और जवानी का पूरा जादू चलाने के लिए उसे अपनी शूटिंग दिखाने ले जाना। शूटिंग के ये फोटो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारती देवी ने रमेश गुप्ता को क्या क्या नजारे दिखाए होंगे। सबूत नंबर तीन, अपनी जवानी के जलवे दिखाने के बाद मिस्टर रमेश गुप्ता को ऐसे समय घर पे बुलाना जब छोटी बहन 8 घंटे के लिए बाहर रहने वाली हो और ये घर में अकेली हो। सबूत नंबर चार, बाथरूम से सिर्फ गाउन पहनकर बाहर आना। अगर उनके इरादे खतरनाक ना होते तो वो पूरे कपड़े पहनकर सामने आती, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके छोटे से फ्लैट में बाथरूम और बेडरूम के बीच में ड्राइंग रूम पड़ता है जहां कोई बैठा उनका इंतजार कर रहा है। सबूत नंबर पांच, ये औरत, इसका चाल चलन, इसका पेशा खुद एक सबूत है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इनके पेशे का इसके से कोई संबंध नहीं। संबंध है योर ऑनर, बलात्कार के केस में औरत के चाल चलन उसके पेशे का बहुत बड़ा संबंध होता है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, चंद रुपयों के लिए एक बारीक सा कपड़ा बेचने के लिए ये औरत खुलेआम भरे बाजार में अपने जिस्म की नुमाइश करती है, ज्यादा पैसे कमाने के लिए अदनंगी तस्वीरें खिंचवाती है। योर ऑनर, भारती नाम रख लेने से ही कोई भारतीय नहीं हो जाता। अगर बलात्कार किया भी गया होता तब भी एक शर्मदार भारतीय नारी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो भरी अदालत में आकर उस वारदात के चर्चे कराए, अपनी जवानी और खूबसूरती की तारीफें सुने, तस्वीरें दिखाए। वो शर्म से गड़ जाती, चुल्लू भर पानी में डूब मरती, अपनी जान दे देती। लेकिन जरा भारती देवी की तरफ देखिए, शर्मिंदगी या पछतावे की छाया तक नजर नहीं आती। योर ऑनर, ऐसी औरतें, औरत के नाम पर कलंक है, मां के नाम पर कलंक है, बहन के नाम पर कलंक है, बेटी के नाम पर कलंक। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आई ऑल्सो ऑब्जेक्ट टू द वेरी प्रेजेंस ऑफ सच वीमेन इन आवर सोसाइटी योर ऑनर। कोई हक नहीं ऐसी औरतों को इस समाज में रहने का जो सब कुछ करके भी इज्जतदार और देवी बनी रहना चाहती हैं, चाहे उसके लिए एक शरीफ और इज्जतदार दोस्त को बलात्कार के झूठे जुर्म में जेल क्यों ना भेजना पड़े। योर ऑनर, ऐसी औरतों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और मिस्टर रमेश गुप्ता जैसे सीधे साधे आदमी को जो इनका शिकार बन गया है बाइज्जत रिहा कर देना चाहिए। That's all, Your Honor. Your Honor, वकील साहब की नजरों में एक शर्मदार भारतीय नारी वो है जो मर्दों की जुल्म सहकर भी उनकी शिकायत नहीं करती। इनकी नजरों में देवी वो है जो अन्याय का फंदा गले में डाल घुट घुट कर मर जाती है पर आंसू नहीं बहाती। भगवान ना करे, पर अगर कल किसी जंगली ने वकील साहब की बहन की इज्जत लूट ली तो क्या वो चाहेंगे कि बेचारी जुबान बंद करके देवी बनी रहे और इंसाफ का दरवाजा ना खटखटाए? आई स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। Objection sustained. No personal remarks, please. Your Honor, इस दुनिया में हर रोज किसी न किसी अबला नारी पर ये अत्याचार किया जाता है, उसकी इज्जत लूटी जाती है और फिर वकील साहब की दलीलों की दुहाई देकर उनकी जुबान बंद कर दी जाती है। हर रोज किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी एक जानवर की हवस का शिकार होती है, लेकिन बदनामी के डर से चुप रहती है। आज उन सब की तरफ से एक औरत ने कानून का दरवाजा खटखटाया है, उनकी इज्जत बचाने के लिए वो आपके सामने खुद को नंगा करवा रही है। योना, दुनिया की कोई ताकत, कोई मसीहा, कोई भगवान इस औरत को वो वापस नहीं कर सकता जो एक जानवर ने उसे छीन लिया है। आई ऑब्जेक्ट। आई ऑल्सो ऑब्जेक्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच एनिमल्स इन सोसाइटी। ऐसे जानवर समाज के लिए खतरा है, एक माँ के लिए खतरा है, एक बहन के लिए खतरा है, एक बेटी के लिए खतरा है। अगर इन्हें सजा नहीं दी गई तो आज वो जो इस अदालत में खड़ा कानून के डर से थर थर कांप रहा है, कल कानून और उसके माहिरों को अपना पहरेदार समझकर शेर की तरह दहाड़ कर जब जिसे चाहेगा उठा ले जाएगा। योना, अगर आज इसे सजा नहीं दी गई तो कल गली गली में जानवर इंसान का शिकार करेंगे और मां बहनों का रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। खूबसूरत वकील साहिबा को
उनके दिल हिला देने वाले भाषण के लिए मुबारकबाद देते हुए मैं वकील साहिबा से प्रार्थना करूंगा कि मिस्टर रमेश गुप्ता के थर थर कांपने से खुश होने की बजाय अगर उनके पास कोई ठोस सबूत हो तो पेश करें, वरना ऐसे दिल हिलाने वाले भाषणों से अदालत का वक्त बर्बाद न किया जाए। ऐसे भाषण तो हम इस देश में हर रोज सुनते रहते हैं। जज साहब, मुझे कुछ कहने की इजाजत है? इजाजत है। आज मैं आपसे और इस देश के कानून से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं। अगर किसी सच का कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, तो क्या इसका यह मतलब होगा कि वो सच सच नहीं और आपका न्याय इसे झूठ मानकर सजा देगा? अगर मैं ये साबित नहीं कर सकती कि भगवान है, तो क्या आपका इंसाफ ये फैसला सुना देगा कि भगवान नहीं होता? इंसाफ की बुनियाद भावनाओं पे नहीं, सबूत पे रखी गई है। भगवान का संबंध भावनाओं से है, दिल से है, विश्वास से है। हमारा विश्वास कुछ भी हो, दिल कुछ भी कहता हो, लेकिन अदालत की नजर में हर शख्स बेगुनाह है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता। इस बात के कई सबूत मिले कि मिस्टर रमेश गुप्ता और भारती देवी एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे से मिलते थे, नाचते गाते थे और इन दोनों में शारीरिक संबंध भी हुए। लेकिन इस बात का एक भी सबूत नहीं कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने भारती देवी के साथ जबरदस्ती की। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं मिस्टर रमेश गुप्ता को बाइज्जत रिहा करता हूं। बताओ कौन करेगा इस लड़की से शादी? लेकिन इसमें उसका क्या दोष है? ओहो, दोष चाहे हो या ना हो, पर इतनी बदनामी के बाद ये लड़की अब किसी शरीफ खानदान की बहू नहीं बन सकती। आखिर हमें भी समाज में रहना है। हमें मुन्नी का भी तो सोचना है, उससे शादी कौन करेगा? देखो बेटे, पागलपन छोड़ो और दुनियादारी सीखो, इस लड़की को भूल जाओ, अब ये तुम्हारे काबिल नहीं रही। सुंदरता में कलंक लग चुका है। Right? Yes, Tolly. Make it more lively, Bharti. More lively. Put some life into it. Muskurao. Give me that famous smile of yours. That famous smile. No. Cut. क्या हो गया तुम्हें? तुम मुस्कुराती क्यों नहीं? मैं मुस्कुराना भूल गई हूँ। अब कभी नहीं मुस्कुरा सकती। कभी नहीं। I can't smile. मॉडल का मतलब क्या होता है जानते हो? पता है उसका काम क्या होता है? हम हजारों रुपए एक अच्छा से अच्छा मॉडल पाने के लिए खर्च करते हैं, इसलिए कि हमारी चीजों को इस्तेमाल करने वाले उस मॉडल जैसा बनना चाहें, वैसा दिखना चाहें। लेकिन इतनी बदनामी के बाद कौन सी औरत भारती बनेगी? हैं? क्या जरूरत थी उसे कोर्ट में जाने की? क्या जरूरत थी उसे ढिंढोरा पीटने की? चुप रहती तो किसी को पता भी नहीं चलता। उसने अपना कैरियर खत्म कर दिया। कितना ब्राइट फ्यूचर था उसका, अब उसे कौन मॉडल लेगा? हाँ बोलो। यू राइट सर, उसकी अब यहां कोई जरूरत नहीं। छुट्टी करो। लोग औरत को फल
आत्महत्या करना है? नीता की चिंता ना होती तो कर लेती। यहां बैठी थी, डर नहीं लगता? अब किसका डर? चलो घर चलो। अब मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। घर वालों से पूछ लिया? उनके मना करने से क्या होता है, शादी तो मुझे करनी है ना। पर मुझे नहीं करनी। क्यों? मेरे लिए नारी के मन की पवित्रता से बढ़कर उसके तन की पवित्रता है। मन का कलंक तो पश्चाताप के दो आंसुओं से धुल जाता है, पर तन का कलंक गंगा का सारा जल नहीं धो सकता। वो एक बार लग गया सो लग गया। इस कलंक से दूर रहो अशोक। एक बात पूछूं? कुछ भी पूछ लो। अगर एक साफ सुंदर शीशे पर पत्थर गिर पड़े तो उसमें शीशे का क्या दोष है? दोष किसी का भी हो, टूटेगा शीशा ही। टूटे हुए शीशे में मुंह नहीं देखा करते, अशुभ होता है। मैं तुम्हारे लिए अशुभ नहीं होना चाहती अशोक।
देख यही है नीता जिसकी बहन का रेप हुआ था। रेप वेप कुछ नहीं था। ऐसा कैसे? पेपर पर आने साफ तो लिखा था किसकी बहन का ड्रामा था। नीता हुँ? तुमने उन दोनों को देखा था क्या? वो सचमुच ही रेप था या? नीता दीदी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, नहीं मैं इस शहर में रहूंगी। चलो हम कहीं और जाकर रहेंगे जहां हमें कोई नहीं जानता हो। मिस्टर ये लोग पुणे जाने के लिए अभी अभी स्टेशन गए हैं। ओह नो। भारती भारती जाना है तो जाओ लेकिन इतना याद रखना मैंने तुमसे प्यार किया है, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा और उस दिन तक इंतजार करूंगा जब तुम शादी के लिए हाँ कह दोगी। भारती मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भारती आई लव यू। आई लव यू भारती। आई मिस यू। बेटी ये किशोर साहब का पिस्तौल रिपेयर के लिए आया था, जाने कहां रख दिया, जरा तुम ही ढूंढ दो। अब बिल्कुल ठीक है। कितना पैसा है? 250 रुपए। 250। शब्बीर साहब को कैश मोमो दे देना, मैं खुद ही रख के भूल गया था। मेरी तरह मेरी याददाश्त भी बूढ़ी हो गई है। लेकिन बेटी तू क्यों खामोश रहती है? तेरे तो हंसने के दिन है, खेलने के दिन है। ऐसे ही चुप रहने की आदत सी हो गई है। मैं सब समझता हूँ बेटी, वक्त सबसे बड़ा इलाज है। अल्लाह तुझे हिम्मत दे, सबकी ताकत दे। टाइपिंग कैसे चल रही है? ठीक है। स्पीड कितनी हो गई? 30। अशोक जी की चिट्ठी आई? आई। जवाब दिया? नहीं। जवाब तो देना चाहिए। क्या जवाब देती? बेटी तुम्हारी चिट्ठी। उसी की है? जी। दीदी मुबारक हो, मैंने स्टेनोटाइपिंग का डिप्लोमा पास कर लिया है। उधर क्या खड़ी है, इधर आ। दीदी तुम कहो तो मैं नौकरी के लिए अर्जी दे दूं? जैसा तुम चाहो। जी हाँ मेरी स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट है विदाउट एनी मिस्टेक। क्या कहा? बिना किसी गलती के। ओह एसएससी फर्स्ट डिवीजन और एनसीसी कैडेट? जी हाँ। गुड, तुम यहीं बाहर इंतजार करो। ओके थैंक यू। यस सर। देखो हमें एक स्मार्ट सिटी चाहिए। सर मैं अभी अभी चंद लड़कियों से इंटरव्यू कर चुका हूँ, उनमें से 3 अच्छी हैं, सब यहीं बैठी हैं, कहीं तो भेज दूँ? नहीं सिर्फ उनके एप्लीकेशन भेज दूँ। और सर? यस सर। लक्ष्मी ये कागजात बड़े साहब के पास ले जाओ। जी अच्छा। नो फीलिंग नर्वस। नीता सक्सेना कौन है? जी मैं हूँ। आइए।
एक्सक्यूज मी बेटी, मैं दो दिन के लिए बंबई जा रहा हूँ, दुकान बंद करके चाबी अपने पास रखना, और हाँ इस महीने से अपनी तनख्वाह में 100 रुपए बढ़ा लेना। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है। गुड मॉर्निंग अंकल। जीती रहो। दीदी दीदी कमाल हो गया, मैं तो टाइपिस्ट की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी, पर मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर की सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू देने बुलाया गया है। पास हो गई तो 900 रुपए महीना सैलरी मिलेगी, लेकिन मैं इंटरव्यू में आ जाऊंगी ना? क्यों नहीं, तू स्मार्ट है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। पर मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं है। याद है उस दिन उस दुकान में हमने वो ड्रेस देखी थी ना? हाँ। आज वो ही पहन के जाना। पर वो तो बहुत महंगी है। तू चिंता मत कर, आज मुझे 100 रुपए का इंक्रीमेंट मिला है। कंग्रेचुलेशंस। लगता है आज का दिन बहुत लकी है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। Come in, please. Good evening, sir. Good evening. Please take your seat. Thank you, sir. Type कर लेती हो? Yes, sir. 40 words per minute. बिना गलती के. Good. Shorthand में भी लिख लेती हो? Yes, sir. और क्या क्या कर सकती हो? बंद है। ये भी बंद है। तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना, मैं कहती हूँ मेरे पास नहीं आना, 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 मेरे पास नहीं आना। टूट जाएगी। मुझे जाने दो प्लीज, तुमने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया, मुझे मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारी बहन? वो तो बेवकूफ थी। तुम मेरी बात मानो, तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मर जाने दो प्लीज। जरूर जाने दूंगा, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा खूबसूरत बदन देखूंगा। ना, या तो तुम वो करो जो मैं कहता हूं, नहीं तो मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार सेठ। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? जी ठीक है सेठ जी, आपने गुप्ता हॉस्पिटल बनवाकर बड़े ही पुण्य का काम किया है। जी हाँ, आप जैसे धर्मात्मा दो चार और पैदा हो जाएं तो इस देश का उद्धार हो जाए। भगवान आपको इन सेवाओं का फल जरूर देगा। मैं तो सिर्फ कर्म करता हूँ भाई, फल देना तो इसके हाथ है। हाँ, और उसके राज में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। भारती, हे
भयानक खूनी मौजूद है जिसने खुलेआम बड़ी बेरहमी के साथ मिस्टर रमेश गुप्ता का खून किया है और रंगे हाथों पकड़ी गई। पिस्तौल इसके हाथ में थी और लाश सामने पड़ी थी। चश्मदीद गवाहों का भी यही बयान है कि मिस्टर रमेश गुप्ता का खून इसी ने किया है। इसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, ना अभी तक कोई सफाई पेश की है, इसलिए एक तरह से इकबाल जुर्म करती है। योर ऑनर, ऐसे खूनी देश के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है। अगर फांसी से भी बढ़कर कोई सजा है तो वो इसे मिलनी चाहिए, वरना शरीफ लोगों का रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुमने रमेश गुप्ता का खून किया है? जी। तो तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो? मैंने रमेश गुप्ता का खून जरूर किया है, लेकिन कोई जुर्म नहीं किया। खून किया है लेकिन जुर्म नहीं किया? अदालत समझी नहीं? जज साहब, उस कुर्सी पर बैठकर आपने भी सैकड़ों खून किए हैं, कई लोगों को फांसी दी है, इससे आप मुजरे में खूनी तो नहीं हो जाते? क्योंकि मैं इंसाफ करता हूं। रमेश गुप्ता को सजाए मौत देकर मैंने भी इंसाफ किया है, जुर्म नहीं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये इंसाफ मैंने 2 साल पहले क्यों नहीं किया। 2 साल पहले? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। जज साहब, याद कीजिए वो दिन जब इसी अदालत में, इसी कटहरे में मेरी जगह एक औरत की इज्जत लूटने वाला रमेश गुप्ता खड़ा था, और वहां ठीक उसी जगह खड़े बैरिस्टर चंद्रा गुनहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को बदचलन साबित कर रहे थे, और उस कुर्सी पर बैठकर आपने रमेश गुप्ता को बाइज्जत छोड़कर जुर्म को कम करने के बजाय उसकी जड़ें मजबूत की थी। इसलिए जज साहब, आज मुजरिम के कटहरे में आपको होना चाहिए और आपकी जगह मुझे, क्योंकि आपने इंसाफ न करके जुर्म किया है और मैंने कानून हाथ में लेकर इंसाफ किया है, मुजरिम को सजा दी है। मुजरिम मैं नहीं जज साहब, मुजरिम आप है, आपका इंसाफ है। योर ऑनर, यह अदालत का अपमान है, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बयान जारी रहने दिया जाए, मैं अदालत पे लगाए हुए इल्जाम जानना चाहता हूं। थैंक यू सर। एक दिन एक अभागन सारी लोक लाज छोड़कर यहां आपकी अदालत में आपसे इंसाफ मांगने आई थी। इंसाफ भी हुआ था, बड़ा अजीब इंसाफ। इज्जत लूटने वाले को बाइज्जत आजाद कर दिया गया और लूटने वाले को उम्र कैद, और वो भी जेल के बाहर, जहां सुबह शाम सैकड़ों लोग उसे नफरत की कोड़े मारते, जहां हर नजर उस पर थूकती, उसे धुतकारती। आपके इंसाफ ने एक सांस लेती हुई लाश को समाज के चौराहे पर लटका दिया था, जिससे लोग नसीहत लें, और फिर कोई लुटी हुई औरत इंसाफ का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत ना कर सके। पर वो औरत कौन है, कहां है? गौर से देखिए, वो औरत मैं हूं, यहां हूं। भारती देवी? 2 साल पहले जब रमेश गुप्ता ने मेरी इज्जत लूटी थी, मुझे बर्बाद किया था, तब इंसाफ का दरवाजा मैंने ही खटखटाया था। तो 2 साल बाद आपने अपनी हार का बदला ले लिया। जब कानून नहीं जीत सकी, तब कानून हाथ में लेकर आपने उसका खून कर दिया। जी हाँ, मैंने उसका खून कर दिया, उस पर गोलियां बरसा दी। अफसोस यही है कि पिस्तौल में सिर्फ 6 गोलियां थी, 7 नहीं, वरना मैं सब की सब उसके सीने में उतार देती। शायद उन गोलियों की आवाज से आदमी की सोई हुई आत्मा जाग जाती, शायद उन खून की छींटों से कानून की आंखें खुल जाती, और वो देख सकता कि उसकी भूल से कितने इंसान शैतान बनते जा रहे हैं। जज साहब, औरत आदमी को भगवान मानती है, लेकिन ये भगवान माँ बहन बेटी सब कुछ भूलकर औरत को सिर्फ हार्ड मास का खिलौना समझता है, उसे नंगा करके उसका तमाशा देखना चाहता है, कभी उसको नीलाम करके, कभी उसको बर्बाद करके। ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं,
इसलिए मैंने कानून हाथ में लेकर रमेश गुप्ता को सजाए मौत दी है, और ये सजा मैं हर उस आदमी को दूंगी जो औरत को एक खिलौना समझता है। जिसने न सिर्फ अपने जुर्म का इकबाल किया है बल्कि ये भी बता दिया है कि ऐसे जुर्म वो आगे भी करती रहेगी। योर ऑनर, ये भारती देवी जो दुनिया की तमाम औरतों की लीडर बनना चाहती हैं, एक बहुत चालाक औरत है। ये 2 साल से इंतजार करती रही कि मौका मिलते ही मिस्टर रमेश गुप्ता का खून कर दिया जाए, और इसी इरादे से वो बंबई छोड़कर पूना रहने गई क्योंकि मिस्टर रमेश गुप्ता का कारखाना पूना में था। और इतना ही नहीं और ऑनर, भारती देवी ने नौकरी भी की तो बंदूक और पिस्तौल बेचने वाली दुकान में, जिससे पिस्तौल तलाश करने का कष्ट भी ना उठाना पड़े। और जब एक दिन इसे पता चला कि मिस्टर रमेश गुप्ता ऑफिस में अकेले हैं, वहां कोई नहीं है, तो ये पिस्तौल में गोलियां भरकर 2 साल पुराना बदला लेने वहां पहुंच गई और उनका खून कर दिया। योर ऑनर, इट वॉज क्लियरली अ प्री मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। एक बार फिर इस अदालत में सरासर झूठ बोला जा रहा है। मैं वहां कोई बदला लेने नहीं गई थी। बदनामी के बाद मेरा बंबई में रहना मुश्किल हो गया था, इसीलिए मैं पूना चली गई और जहां जो नौकरी मिली कर ली। मुझे पता होता कि रमेश गुप्ता भी उसी शहर में है तो मैं वहां कभी नहीं जाती, क्योंकि मैं उसका मुंह तक देखना नहीं चाहती थी। लेकिन उस शाम रमेश गुप्ता ने फिर एक मासूम को बर्बाद कर दिया और मुझसे रहा नहीं गया। मैं जानती थी आपकी अदालत में उसे भी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फिर बलात्कार का सबूत मांगेंगे। सबूत तो हम जरूर मांगेंगे, क्योंकि बिना सबूत अदालत किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकती, कोई फैसला नहीं कर सकती। जज साहब, नारी का शरीर एक मंदिर है जिसके कोख से मानवता का जन्म होता है, जिसकी गोद में सभ्यता पनपती है। लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं और आपका कानून कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे सबूत चाहिए। हर सच साबित नहीं किया जा सकता जज साहब। बलात्कार के समय न कानून होता है, न पुलिस होती है, और ना कोई शरीफ गवाह। फिर सबूत कैसे मिलेगा, कौन देगा? एक लड़की जो शर्म से अपनी शक्ल तक शीशे में नहीं देख सकती, सबके सामने आकर एक बार फिर अपनी बेइज्जती कैसे कराएगी? भरी अदालत में वकीलों और गवाहों के हाथों लाज के पर्दे कैसे उतरवाएगी? और आप ही जाए तो बदनामी के सिवा उसे मिलेगा क्या? मुझे क्या मिला था? जज साहब, उस दिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि फिर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी गई, एक और मंदिर तोड़ दिया गया। योर ऑनर, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई या नहीं, इस अदालत का वक्त जरूर बर्बाद किया जा रहा है। ये कहना कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की और उस जोश में आकर भारती देवी ने उसे सजाए मौत दे दी, ये एक कहानी है, क्योंकि न पुलिस की रिपोर्ट में किसी और लड़की का जिक्र है, न कोई लड़की अदालत के सामने आई है। अगर होती तब तो आती। पर ये सच है कि वो लड़की है। है तो कहां है? उसका नाम क्या है, काम क्या करती है, सामने क्यों नहीं आती? वो लड़की कहां है? अपनी चुप का मतलब जानती हो? सजाए मौत उसको अदालत में लाकर बदनाम करने से अच्छा है कि मुझे मौत दे दी जाए। नहीं, वो लड़की मैं हूं जज साहब। ये क्या कर रही है नीतू? यहाँ आकर सिर्फ बदनामी मिलेगी, बेइज्जती मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दीदी, बदनामी, बेइज्जती, मौत कोई भी कीमत तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर तो नहीं। जज साहब, मैं अपना बयान देने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ कहना है यहाँ आके कहो। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी।
मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। जी हाँ जज साहब, इसी अदालत में, इसी कटहरे में। 2 साल पहले। फर्क सिर्फ इतना है कि तब रमेश गुप्ता ने मेरी दीदी को बर्बाद कर दिया था और अब मुझे किया है। मिस्टर चंदा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन आप यही पूछेंगे ना कि उसे देखकर मैंने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वकील साहब, दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, वो तो पहले से ही बंद था। आप पूछेंगे मैंने मदद के लिए किसी को पुकारा क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया? मैंने बहुत शोर मचाया, पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मदद के लिए भगवान को भी पुकारा, पर वो भी नहीं आया। वकील साहब, वो भी नहीं आया। और मैं ऑर्डर ऑर्डर तुमसे कहा था यहाँ मत आना, क्यों आई? यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, बदनामी मिलती है। इन्हें तो सबूत चाहिए। सबूत तुम कहाँ से लाओगी? जो कुछ पास था वो तो खो चुकी, अब तो लाशें बाकी रह गई है और लाशें बोला नहीं करती। जज साहब, मैंने चाहा था कि मेरी बहन की कहानी दुनिया की जुबान तक ना पहुंचे, वो इस जिंदा मौत से बच जाए जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है, पर इसने मेरी बात नहीं मानी। हर एक जिंदा लाश को बचाने के लिए दूसरी जिंदा लाश कटहरे में आकर खड़ी हो गई। ये वो जगह है नीतू, जहां भगवान कृष्ण भी आकर खड़े हो जाएं, तो लोग उनका विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें भी अपनी ही गीता पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ेगी, सबूत देना पड़ेगा। तू सबूत कहां से लाएगी? वकील साहब तो फिर साबित कर देंगे कि बलात्कार नहीं, मोहब्बत है। लेकिन तू कैसे साबित करेगी कि ये मोहब्बत नहीं, बलात्कार है? वकील साहब, आप तो रोज लोगों से सैकड़ों सवाल पूछते हैं, इजाजत हो तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। हर समझदार वकील जानता है कि सच क्या है और गुनहगार कौन है। आपको भी पता था कि मेरे साथ बलात्कार किया गया था, फिर आपने सच क्यों छुपाया? इंसाफ क्यों नहीं किया? इंसाफ करना मेरा काम नहीं है, वो जज साहब का काम है। मेरा काम, मेरा फर्ज सिर्फ अपने क्लाइंट की वकालत करना है, उसको बचाना है, और हर वकील का यही फर्ज होता है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया था। वकील साहब, अपना फर्ज पूरा करने के लिए आपको तो ढेर सारे रुपए मिले, नाम मिला, पर इस बेगुनाह को क्या मिला? समाज को क्या मिला? इंसानियत को क्या मिला? क्या इनके लिए आपका कोई फर्ज नहीं? आपने कभी सोचा है वकील साहब, कुछ रुपयों के लिए आप जिन शैतानों की रक्षा कर रहे हैं, वो एक दिन आपके बच्चों को भी खा सकते हैं? कभी सोचा है कि इसकी जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी? जो इसके साथ हुआ है उसके साथ ही हो सकता था। देखिए, इसकी तरफ देखिए, आपने रमेश गुप्ता को बचाकर जो फर्ज पूरा किया था उसका अंजाम देखिए। इसके होंठों से सारी मुस्कुराहट नोचकर इतनी सिसकियां भर दी गई हैं जो कभी कम नहीं होंगी। इतने ढेर सारे आंसू दे दिए गए हैं कि डूबने के लिए समुन्द्र ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जिम्मेदार आप हैं वकील साहब, और आप भी जज साहब। उस दिन आपने एक मुजरिम को छोड़कर इंसाफ की कब्र पे बे इंसाफी का बीज बोया था, वो बीज पेड़ बन गया, एक और मंदिर आपके इंसाफ की भेंट हो गया। जज साहब, 2 साल पहले इसी अदालत में मैं आपसे इंसाफ मांगने आई थी,
सो तो नहीं मिला। आज मैं आपसे मौत मांगने आई हूँ, वो तो आप दे सकते हैं। मुझे मौत दे दीजिए जज साहब, मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए। कानून की तारीख में शायद पहली बार किसी मुलजिम ने इंसाफ को मुजरिम ठहराया है। हम भारती देवी की हिम्मत और सच्चाई की इज्जत करते हैं, लेकिन भारती देवी ने कानून अपने हाथ में लेके जुर्म किया है, चाहे वो उनके ख्याल से इंसाफ करने के लिए ही क्यों ना हो। अगर इसी तरह हर शख्स कानून अपने हाथ में लेके इंसाफ करने लगे तो दुनिया में ना कानून रहेगा ना इंसाफ। मैं जज होते हुए भी कानून का पाबंद हूं, और मुझे भी कोई हक नहीं कि मैं कानून के दायरे के बाहर जाकर कोई फैसला करूं। भारती देवी ने खून किया है, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यह खून जानबूझ के नहीं किया गया, ऐसे हालात में किया गया है जबकि कोई भी मां या बहन खून करने पे मजबूर हो जाती। इसलिए अदालत को भारती देवी के साथ हमदर्दी है, और गिरफ्तारी के बाद जेल की हिरासत में काटे हुए दिनों को ध्यान में रखते हुए अदालत के उठने तक भारती देवी को यहां कटहरे में खड़े रहने की सजा देती है। जब तक समाज है जुर्म होते रहेंगे, लेकिन बेइंसाफी जुर्म से भी बड़ा गुनाह है। 2 साल पहले इसी कुर्सी पर बैठकर मैंने भी ये गुनाह किया था, इसलिए कानून की ये कुर्सी मैं हमेशा के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि जो कानून रक्षा नहीं कर सकता उसे सजा देने का भी कोई अधिकार नहीं। भारती, मैं अभी तक तुम्हारी हां का इंतजार कर रहा हूं। भारती नाम की लाज रख ली बाबू, घर चलो। जीती रहो बेटी। इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए जुर्मों को ठीक